मॉर्निंग गाइस, सो हो गई हमारी तैयारी एंड हम निकल रहे हैं फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ. सो दिल्ली इन द सेंस दिल्ली नोएडा, ठीक है. एंड रोड ट्रिप होने वाली है, मज़ा आएगा. दिन का ट्रिप है तो आप लोगों के साथ पूरी जर्नी शेयर करूंगी एंड कैसी रहती है हमारी दिल्ली टू नोएडा ट्रिप. तो चलो सबसे पहले क्या स्टार्ट ही करते हैं, बैग लेके चलते हैं नीचे गाड़ी में. गाड़ी को सबसे पहले पानी पिला देते हैं ताकि वो शीशा साफ रखे, क्योंकि हाईवे पे हमें देखना भी तो है. लेट्स गो. सवारी निकल चुकी है हमारी. धूप है बहुत तेज. आज बारिश का मौसम होता था कितना सही लगता. नहीं, लॉन्ग ड्राइव, बारिश, मस्त. साले इतनी सड़ी हुई धूप में जा रहे हैं. जो नोएडा का सफर है 500 किलोमीटर, बट 5 घंटा, मतलब ऐसा सोचो तो 100 किलोमीटर के हिसाब से 5 घंटे में पहुंच जाओ, बट 5 घंटे में आप नहीं पहुंचते क्योंकि रास्ते में थोड़ा बहुत तो रुकते हो, तो 6 घंटा तो कम से कम लग ही जाता है. तो अभी बज रहे हैं कितने, 9:45. यस, 9:45. तो शहर से निकलते निकलते जितना टाइम है उसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि शहर में तो ट्रैफिक होगा ही होगा. ठीक, उसके बाद का हम काउंट करेंगे. ठीक है, अभी बज रहे 9:45. घड़ी मेरी उल्टी है क्या? नहीं, अच्छा मोबाइल इसमें उल्टी दिख रही है. बस कुछ भी नहीं खाया है, बस ब्रेड और सैंडविच पैक कर लिए रास्ते के लिए. रास्ते में कॉफी वॉफी पीने उतरेंगे तो है ही, बट वहाँ कुछ रास्ते में तो अच्छा खाने को नहीं मिला. मौसम देखो सही हो गया है ना, बिल्कुल ऐसे ही रहे थ्रू आउट द टाइम. एंड एक चीज और कि एक्सप्रेस वे पे ना बहुत सारे जगह जगह कैमरे लगे रहते हैं, हिडन कैमरे लगे रहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि या तो कैमरा देख लो या तो या स्पीड मत करना, वरना चालान हो जाता. हम लोग का भी लास्ट टाइम चालान हो गया था, पता नहीं लगा था, पता नहीं कैसे चालान हो गया था. बाद घर पे जाके पता. ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है, बट हम तो ग्रेटर नोएडा में रुकेंगे नहीं. ये देखो काले काले बाद. लास्ट टाइम हम लोग का चालान हो गया था और जब घर, मतलब घर पे मैसेज आया, पता लगा है चालान हो गया. और फिर चालान होता है तो उसमें फोटो भी आ जाती है, तो फोटो देखा था. वाह, अपनी गाड़ी पीछे से हम लोग का चालान हुआ था. तो मतलब कैमरा आप सोचो कि आगे लगा, लेकिन वो कहीं हिडन पीछे लगा होगा. और अभी गाड़ी जब रास्ता से जाएगी तो पीछे से फोटो खिंच जाएगी. और आपको पटका लगेगा डायरेक्ट 2,000 रुपए का. तो आपकी ट्रिप अगर हो रही होगी 10,000 की तो आपकी हो जाएगी 12,000. दो तीन हो गए चालान तो ले, जितनी ट्रिप ने उससे ज्यादा चालान ही चालान. और जो सीधे परी चौक, जबकि नहीं, हमें जाना है यमुना एक्सप्रेस वे. तो फाइनली ऑफिशियली ये यमुना एक्सप्रेस वे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. एंड यहाँ पे गाड़ियाँ कहाँ खड़ी है इतने सारे, खाने पीने ले रहे हैं लोग, समोसे, जलेबी. हाईवे, जब भी मैं हाईवे देखती हूँ मुझे वही गोलमाल याद आती है मूवी हाईवे. अब यहाँ से ये करेगा अपनी स्पीड डायरेक्ट 40 से 60 80. कितने का लिए स्पीड? ओवर चलान मत करना भैया, फालतू तो पैसे नहीं है ओवर चलान को देने के लिए. सही, भीड़ कहाँ खड़ी है? बस देखो कितनी सारी लाइन से आने वाली, तो रात में चली होगी तो इसको पहुंची होगी लाइन से. बस ही बस, भूख तो हमें भी लगी. अब सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया है और तैयार होके निकल गए. कॉफी तक नहीं पिया है, कॉफी रस तक नहीं खाया है. मेरा फेवरेट खाना कॉफी रस, वो भी नहीं खाया है. ब्रेड पैक कर लिए, ब्रेड खा लूंगी. लेकिन मैं ना कॉफी जब, मुझे बहुत नींद आ रही थी, मेरी आंखों में देख रहा हूँ, मैं चश्मा लगा तो पता नहीं लगा, लेकिन आंखों में देखो नींद भरी हुई है. मैंने कहा सो जाए, फहरा रहे हमें लग रहा है. ये देखो सब झंडा फहरा रहे हैं, सब कोई रैली वैली कुछ है, झंडा फहरा रहे वहाँ पे एक्सप्रेस वे पे. बताओ, उनका तो सबसे पहले चालान करना चाहिए. वही तो चालान में ना होना चाहिए ना इनका, तो किनारे करके करें जो करना. सो अब हमारा आ गया पहला टोल. इतनी देर चलने के बाद कितने किलोमीटर के बाद आया होगा,
50 किलोमीटर के बाद इसके बाद आएगा कुछ खाने पीने का। हमेशा यही होता है, जिसमें खड़े होते वो वाली नहीं चलती, बाकी सारी लेन चल रही होती, इधर भी चल रही है उधर भी चल रही है, खड़े रहो। ये जलपान ग्रह 5 किलोमीटर अहेड। कब से जल सुविधाएं करके लिखा है, लेकिन कितने सारे ब्लफ लिखा है। देखो ये देखो आगे, ये देख रहे हो, ये देखो यहाँ लिखा है जल सुविधा 1 किलोमीटर दूर, तो हो सकता है अब फाइनली आ जाए, क्योंकि कब से बस ऐसे ही लिखा है। एक जगह हम लोग गए भी, रुके भी थे, तो वहाँ पे मतलब ऐसे ढाबा टाइप का था, कुछ खास नहीं था, मतलब कॉफी वॉफी टाइप का, चाय वाय टाइप का था, तो वहाँ नहीं रुके। देखो मेरी आँखें बता रही है मैं कितना नींद नहीं हुई, बस सूजी सूजी लग रही है आँखें। चश्मा लगा लो एंड प्लीज़ अब तो आ जाइए। अब ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ लिख के आ रहा है, यानी कि KFC 1 मिनट अवे। यस सो फाइनली आ गया वो पल, जिस पल का एक इंतजार था इतनी देर से। तो जन सुविधाएं आपका स्वागत है। ये कहीं लाइन लगी हुई है, दिल्ली से 1 रुपया सस्ता है यहाँ पे, देखो पोस्टर लगा हुआ है। जा ही नहीं पा रहे लग रहा है, बंद करके रखा है इन्होंने। उधर जाने के लिए कैसे जाए, कैसे जाए, ये जा रहा है ना उधर, तो उधर ही चल लो, इनको बोल दो हॉर्न लगा दो, रुक के उधर जाना है, चलो 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 चलो। निकल तो जाओ, पेट्रोल पहले भरो फिर जाओ इधर। उधर से आ रहे हैं लोग, कहीं से इतनी भीड़ है यार यहाँ पे, देखो पूरा दिल्ली यहीं पे आ गया क्या। बारिश बारिश हुई तो फिर दिक्कत होगी इतना लंबा चल के जाने में। तुम हमें क्या, तुम जाना हो मेरे लिए छाता लेके आना, मैं नहीं जाऊंगा। तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको। और भीड़ देख रहे हो यहाँ पे, इतनी सारी भीड़ है, मतलब हद है। और यहाँ पे आ गई हमारी इडली। पहले मैंने सोचा था सब्बे लूंगी, बट सब्बे में ग्रिल वाला नहीं था, तो मैंने सोचा इडली ले लेते हैं। तो यहाँ रुके हम लोग खाए पिए एंड 15-20 मिनट लग गया। तो मैंने कहा था ना एग्जैक्ट 5 घंटा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, यही रीज़न है, क्योंकि आप रुकते हो खाते पीते हो तो 15-20 मिनट कहाँ चला गया, एटलीस्ट आधा घंटा भी लग जाता है। लंबी लाइन लगी हुई है ये पेट्रोल के लिए, ये निकलने की जगह ही नहीं है। हमने तो खा पी लिया, अब कार को भी थोड़ा खिला पिला दे, तो पेट्रोल के लिए डीजल खिला दिया, अब यहाँ पे हम लोग हवा खिला रहे हैं, क्योंकि पानी तो पीती नहीं, पानी सुबह पिलाया था, हवा पेट्रोल सब खिलाए पिलाएंगे गाड़ी को भी। फाइनली बारिश, तो आगरा हम लोग पहुँच गए। ये आगरा इनर सर्किल वाला हाईवे एक्सप्रेसवे है, ठीक है, तो 2 घंटे में पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं 12:30, हम लोग वहाँ रुके थे इसलिए 12:30 हो गया, वरना 10 बजे से 12 बजे 2 घंटे में आप दिल्ली नोएडा से आगरा पहुँच जाओगे। मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है यार, मस्त। ये क्या हो गया यहाँ पे, इतनी भीड़ कहे लगी, ये कहा इतनी भीड़ लगी हुई यहाँ पे, लिफ्ट पुलिस वाले भी लिफ्ट लेंगे क्या, पुलिस वाले भी खड़े थे हमको बैठा ले, रोक नहीं कुछ, लड़की बैठी है तो इसलिए रोके नहीं, लड़के बैठे होते तो रोक लेते। वेलकम टू आगरा इनर रोड, चलो चले ताजमहल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मेरे को आगरा गर्मी में ये सब वीडियो में आएगा, बीप बीप कर देंगे। मन कर रहा है आगरा आए तो आगरा घूम ही ले, क्या बहुत धूप हो गया, धूप धूप क्या है, तो क्या हुआ थोड़ा बहुत, तो बारिश भी तो होगी, पत्थर का बना होता है, जब जलेंगे ना पैर तब समझ में आएगा, पैर भी जलेंगे और बम भी जलेगा, बैठेंगे जहाँ पे और पता है जब हम लोगों ने गाड़ी ली थी ये वाली फर्स्ट टाइम, तो हम लोग का ट्रिप आगरा ही बना था, याद है,
इसको अपनी एनिवर्सरी तो मनाने दो, इसको याद आती हुई गाड़ी को कि मैं पहली बार आया था। टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग कि इतनी लंबी लाइन में आप कौन सी लाइन चुनते हो, कौन सी लाइन तेज होती है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यार आगरा वाली। तो पे ऑटो भी चल रहा है, तो इधर है आगरा इधर है लखनऊ, तो हम तो चलेंगे लखनऊ। तो ये स्वागत है हमारा, स्वागत नहीं करोगे हमारे? चलो गवर्नमेंट ने बोला स्वागत करते हैं आपका। शेर यहाँ पे कितना सुंदर कमल खिला हुआ है, ये पूरा पॉन्ड बना हुआ है सर कमल का। आ गया अब लखनऊ का टोल, सो वी आर अबाउट टू रीच। अब यहाँ से मुश्किल से कितने 50 मीटर सॉरी 50 किलोमीटर 50 मीटर बता रहे, 50 किलोमीटर ही बचेगा यहाँ से लखनऊ ना, तो फिर 20-30 किलोमीटर यहाँ से लगेगा लखनऊ। एंड देन वहाँ से जो भी वो तो बुला रहा था उधर रहा हो, पहले नहीं बताया। लखनऊ के टोल पे तो भीड़ नहीं मिली, सही है। बट यार बारिश नहीं मिली जिसका इंतजार था, ऐसे ही गरम गरम सड़े हुए मौसम में चलते हुए बारिश नहीं मिली। टाइम हो रहा है कितना हो रहा है, 4:45 ना, 3:45 4:45 यानी हम लोग निकले थे 10 बजे, 11, 12, 1, 2, 3, 4 6 घंटा। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि 6 घंटा लग जाएगा और 6 घंटा ही लगा। लेकर यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस, अरे यार ये गाड़ी कैसी, शिट ओ शिट, क्या हुआ शिट, वो देखो गाड़ी जो मसाला निकल गया ना, हमें लगा वो भी गाड़ी पलटी हुई है सीधी गाड़ी का मसाला निकालने बेचारी आराम से काम कर रही, इसको पलटा दिया नहीं लेकिन उससे पहले वाली तो पलटी हुई थी ना, सॉरी ये अंकल जी उगड़े हो गए कपड़े क्यों बदल रहे थे। एग्जिट अहेड रिड्यूस स्पीड, भूल जाइए अब आप स्पीड, ठीक है एग्जिट आए आए स्पीड कम। अरे यार वो याद आ गया मुझे, मुंबई में हर जगह ऐसे लिखा रहता था ना आए आए। चलो एक्सप्रेसवे खत्म हो गया, अब खड़बड़ी रोड, ट्रैफिक, गर्मी एंड स्पीड कम, सब स्टार्ट। और अगर आपको मोहन जाना है तो आप इधर सीधे चले जाइए, और अगर आपको लखनऊ जाना है तो आप इधर चले जाइए, ऑब्वियसली लखनऊ इधर जाइए। ये लोग उधर चले गए थे क्या अब ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे लोग आड़े टेढ़े कैसे भी चलाने वाले। पहुंच गए लखनऊ, यस फाइनली।